लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में सुमन देवी नाम की एक वृद्ध महिला अपने बेटे रोहित और बहू नेहा के साथ रहती थी। सुमन देवी एक सरकारी नौकरी करती थी और उनकी तनख्वाह से ही घर का सारा खर्च चलता था। रोहित और नेहा दोनों ही लापरवाह और आलसी थे। उन्हें सुमन देवी की मेहनत की कोई कद्र नहीं थी। दिन रात मौज मस्ती करना ही उनके जीवन का मकसद था। सुमन देवी रोज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाती और देर शाम घर लौटती। वे बार बार रोहित और नेहा को समझाती, बेटा पैसे जोड़कर रखो, बुरे वक्त के लिए बचत करो, लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन सुमन देवी ने रोहित और नेहा को ठेले पर चाट पकौड़ी खाते देखा, जबकि उस वक्त रोहित को एक इंटरव्यू में होना चाहिए था। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा और बहू बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। कुछ समय बाद सुमन देवी की तबीयत खराब हो गई और वे काम पर नहीं जा सकी। उनकी तनख्वाह रुक गई और घर में पैसे की तंगी आ गई। इस मुश्किल समय में रोहित और नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। रोहित ने सुमन देवी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह मेहनत से काम करेगा। सुमन देवी ने अपनी नौकरी की ताकत का इस्तेमाल करके रोहित को एक सरकारी नौकरी दिलवाई। रोहित ने मेहनत से काम करना शुरू किया और नेहा ने भी घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद सुमन देवी की मेहनत रंग लाई। रोहित और नेहा अब जिम्मेदार बन चुके थे। घर में खुशहाली लौट आई थी और सुमन देवी के दिल में अपने बेटे और बहू के प्रति गर्व का एहसास था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिम्मेदारी और समझदारी से ही जीवन में स्थिरता और खुशहाली आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।